लेखिका मालती जोशी, पेज नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 1। आउटसाइडर कहानी में लेखिका ने किस समस्या को उजागर किया है तथा क्या संदेश दिया है? उत्तर, कहानी हिंदी साहित्य की महान लेखिका मालती जोशी जी द्वारा रचित। आउटसाइडर से तत्पर है फालतू सामान या घर से बाहर का व्यक्ति। यहाँ इस कहानी में आउटसाइडर नीलम को कहा गया। नीलम कहानी की नायिका है। वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। पिता की अचानक मृत्यु के बाद नीलम ने घर की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। बड़ी बहन होने के नाते उसने स्वयं आप भी बाहर रहकर अपने सभी भाई बहनों का भविष्य संवारा तथा सबके विवाह संपन्न कराए। अब जब सब अपनी अपनी गृहस्थी में सुख से रह रहे थे तो ऐसे में नील हम उन्हें जिम्मेदारी प्रतीत होने लगी थी, इसलिए वे उसकी शादी करवाकर इस जिम्मेदारी रूपी बोझ से मुक्ति पाना चाहते थे। नरेश की शब्दों में, इस घर के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी है, इसलिए सब चाहते हैं कि अब आप भी आराम की जिंदगी बसर करें। नीलम को यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसकी उम्र अब 45 वर्ष की हो गई थी। उन्होंने शादी के अजीब से प्रस्ताव नीलम के समक्ष प्रस्तुत किए जिन्हें नीलम ने ठुकरा दिया। उसने कहा, 20 साल की उम्र से मैदान में खड़ी हूँ, परिस्थितियों से लड़ते लड़ते तंग आ गई हूँ, थककर चूर हो गई हो। अब मैं सिर्फ शांति और आराम चाहती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वह सोचने लगी कि उसकी माँ ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, बस घर का खर्च चलाने वाली बना दिया। पिता की अचानक मृत्यु के बाद जब उसने घर की बागडोर संभाली थी तब यही नहीं सोचा था कि यह उसकी नियति होगी। मन में एक क्षीण कमजोर आशा थी कि कल को भाई जब किसी लायक हो जाएंगे तो वह अपनी जिंदगी जी सकेगी, पर वह आशा दुराशा ही साबित हुई। संदेश, मालती जोशी जी द्वारा लिखित कहानी आउटसाइड आधुनिक समाज के स्वार्थी और खोखले रिश्तों पर प्रहार करती है। यह समाज के नजरिए में बदलाव लाने का संदेश देती है। मनुष्य कितना भी आधुनिक हो जाए किंतु असलियत ये है कि इस पुरुष प्रधान समाज में नारी का स्थान आज भी निम्न दर का ही है। उसे घर से लेकर बाहर तक संघर्ष से जोतना पड़ता है। ऐसा ही संदेश देकर लेखिका नारी शक्ति को सार्थक करना चाहती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां गलत नहीं है, परंतु इन जिम्मेदारियों के चक्रवर्ती तूफान में फंसकर अपनी जिंदगी अपनी खुशियों की कुर्बानी देना गलत है। यह नारी के मौलिक अधिकार खनन है। निष्कर्ष, लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से स्त्रियों के अंतर्गत को प्रकट करने का प्रयास किया है। किस प्रकार एक लड़की पिता की मृत्यु के बाद अपने भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर उनका भविष्य बना दिए तथा परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए अंत में एक अंक जीवन जीने को मजबूर हो जाती है। अपने परिवार के प्रति समर्पण आवश्यक है, परंतु उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। आउटसाइडर कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। सेम एज आंसर नंबर 1। केवल निष्कर्ष चेंज है, संदेश नहीं लिखना है। निष्कर्ष, प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सामाजिक परिवेश पर आधारित है। परिवार की सबसे बड़ी लड़की नीलम अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद नौकरी करके तथा अविवाहित रहकर पूरे परिवार का पालन पोषण करती है तथा अंत में अपने ही भाई बहनों से आउटसाइडर सुनकर उसकी आशा दुराशा ही साबित हो जाती है। अर्थ, कहानी का शीर्षक सटीक सार्थक एवं कहानी के अनुरूप है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट डाउन फॉर मोर चैप्टर्स।